हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर। देखिए, काफी बच्चे लगातार कमेंट ये कर रहे हैं कि सर पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर अलॉटमेंट होगा, तो आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। देखिए, 2019 में जो प्रोसेस अपनाया गया था उसमें क्या हुआ था कि आपको सीधे अलॉटमेंट दे दिया गया था कि आपको भाई डिस्ट्रिक्ट ऑफर ये कर दी गई। देखिए, इस टाइप से रिजल्ट अपलोड किया गया था कि आपका नाम, कैटेगरी और डिस्ट्रिक्ट ऑफर कर दी गई थी कि आपको ये डिस्ट्रिक्ट दी गई है और आपको ये पोस्ट दी गई है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था। अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं और आपने डीबी में वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए और वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट सारे सही हैं आपके, तो आपको 2-4-6 दिन में आपको फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाती है। उसमें बस बीच में मेडिकल का प्रोसेस होता है, मेडिकल कराने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि पहले आपका डीबी होगा फिर आपको फाइनल अलॉटमेंट दिया जाएगा या फिर पोस्ट निकल के आएगी फिर आप जाके ज्वाइन करिए, तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं होने वाला है। 2019 में क्या करा गया था, सीधे आपका फाइनल अलॉटमेंट दे दिया गया था पोस्ट के साथ और सीधे आपने जहां पे भी आपको मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको अलॉटमेंट हुआ है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपके कोर्ट में आपको जाना है, वहां आपका वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए जाना है और फाइनल ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। तो डाउट यही था कि बच्चों को कि पहले डीबी होगा, तो डीबी नहीं होने वाला, सीधे आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। अब देखिए, अलॉटमेंट भी काफी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिलेगा आपको या फिर पहली पसंद देखी जाएगी, कि पहली पसंद को देखा जाएगा या होम डिस्ट्रिक्ट को देखा जाएगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि कोर्ट क्या करता है कि आपका सबसे नियरेस्ट जो आपका एड्रेस होता है, सबसे पास में जो कोर्ट आपके घर के पास में होती है उसको देने की कोशिश करता है, क्योंकि ये ग्रुप डी की जॉब है। कोशिश उन लोग की यही रहती है कि आपको घर के आसपास दें जिससे आप इजिली कर पाए, या आपको प्रोसेस सर्वर मिल जाए या फिर कोई दूसरी जॉब मिल जाए, तो आप नियरेस्ट आप रहेंगे तो आपका क्या होगा, टीए एचआरए वगैरह सब आपको कम देना पड़ेगा और आप भी अच्छे से जॉब कर पाओगे। तो उनकी प्राथमिकता यही होती है कि घर के आसपास आपको दिया जाए, ग्रुप सी हो चाहे ग्रुप डी हो, नियरेस्ट दिया जाता है और आपसे कोई फिल नहीं करवाया जाता कि ये डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करना है। आपसे क्या है, डायरेक्ट आपसे क्या होगा कि भाई आपके घर के नियरेस्ट आपको दे दिया जाएगा, आपको वहां ज्वाइन करना है। अब कैसे क्या होगा, देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कानपुर में रहता है और उसने पहली पसंद अपनी प्रोसेस सर्वर भर रखी है, ठीक, कैसे अलॉटमेंट किया जाएगा। और मान लीजिए कानपुर में जो है वो 7 वैकेंसी जो है वो किसकी है, प्रोसेस सर्वर की, जिसमें जनरल की मान लेते हैं 3 है, ओबीसी की मान ले रहे हैं 2 है, और ईडब्ल्यूएस की 1 मान लीजिए और एससी की 1 मान लीजिए, ठीक है। तो ये इस टाइप से है, अगर मान लीजिए कि यहां पर 8 लड़कों ने या 10 लड़कों ने प्रोसेस सर्वर पहली पसंद रखा है और उनका नियरेस्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो कानपुर है या कानपुर से उन्होंने उसको क्वालिफाई किया, तो 10 में से जिनके 7 बच्चों के नंबर ज्यादा होंगे उनको ही अलॉटमेंट दे दिया जाएगा प्रोसेस सर्वर को, फिर बाकी 3 बच्चों को देखा जाएगा कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट में दे दिया जाए। अगर पता चले कि आसपास डिस्ट्रिक्ट में और बच्चे ऐसे हैं कि जो इन 3 बच्चों से और आगे चल रहे हैं, तो क्या होगा कि इन 3 बच्चों को सेकेंड जो ऑप्शन उन्होंने चूज किया होगा, सेकंड चॉइस की जो उन्होंने पोस्ट भरी होगी उसका अलॉटमेंट कानपुर में ही कर दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस रहता है। देखिए, ज्यादा डिटेल से तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मैंने 2019 के बच्चों से जब बात करी तो उन्होंने यही कहा है कि सर अगर आपकी कट ऑफ से 3 नंबर 4 नंबर लगभग ज्यादा है ग्रुप डी में, तो आपको जो है वो होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता पाता है कि अगर पहली पसंद है तो वो मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अगर 6-7 नंबर होने का ज्यादा है तो पहली पसंद भी मिल जाती है, आपके होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाता है। अगर 3-4 नंबर आपके ज्यादा हैं तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की संभावना है, लेकिन पहली पसंद मिलेगी नहीं मिलेगी ये कंफर्म नहीं होता है। लेकिन ग्रुप सी में अगर बात करें तो ग्रुप सी में सबकी देखिए सेम कैटेगरी है, मतलब वहां पर सीधे क्लर्क की जॉब है, तो वहां ऐसा इशू नहीं आता है। अगर 2 नंबर 3 नंबर ज्यादा है तो होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है और आपकी एक ही पोस्ट है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन ग्रुप डी में 4-5 नंबर अगर ज्यादा आपके हैं तो आपको पहली पसंद भी मिल जाएगी और आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है, कोशिश उनकी यही होती है कि आपको पहली पसंद दे दी जाए और नियरेस्ट दिया जाता है पास में, आसपास मतलब आपके, और वो ज्यादा सही भी है। आप पता चले 28-29 हज़ार रुपये आपको तनख्वाह मिल रही है और आप घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, वो पता चले कि वहां आपको रहना खाना सब पड़ रहा है, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है और वहां आपको सब बनाना पड़ रहा है, पढ़ाई भी आप अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो अच्छी बात है कि नियरेस्ट देंगे तो आप उतनी बेहतर तरीके से पढ़ाई भी कर पाओगे, आपका पैसा भी बचेगा और जिससे आपको काफी बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जाके वहां भी कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।